सकलन मुसा मैं थोड़ा था पुलिस वाले को कभी उंगली नहीं करना चाहिए पुलिस वाले हमारी ऐसे उंगली करेंगे कभी नहीं सोचा था यार दोस्तों एक बार फिर से कमबैक कर चुके हैं इरफान खान और उन्होंने कमबैक किया है फिल्म अंग्रेजी मीडियम से। जी हाँ, हिंदी मीडियम का सेकंड पार्ट अंग्रेजी मीडियम, जहां एक बार नई कहानी फिर से लेकर आए हैं, एक बार फिर से नया मैसेज लेकर आए हैं इरफान खान। और इरफान खान की ये मूवी है, ये आखिर फ्लॉप कैसे हो सकती है? इरफान खान की फिल्म की कहानी आखिर कैसे बिगड़ सकती है? इरफान खान की फिल्मों को हमेशा से ही भरपूर प्यार देते हुए फैंस नजर आए हैं और ऐसे में यहां बॉलीवुड स्टार्स के लिए जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी तो हर किसी ने इस फिल्म की खूब तारीफें की और इसी के साथ कहते हुए नजर आए मस्ट वॉच फिल्म। लेकिन आखिर कैसे इस फिल्म को देखा जाए, क्योंकि दिल्ली, केरल, जम्मू और साथ ही साथ उत्तराखंड जैसे शहरों में थिएटर्स बंद हो चुके हैं और कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म को देखने के लिए यहां फैंस जाना भी चाहे तब भी नहीं जा पा रहे हैं थिएटर्स तक। लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म की पहले दिन की कमाई काफी अच्छी होती हुई देखी जा रही है। इस फिल्म के बजट की अगर बात की जाए तो वो था 45 से 50 करोड़ का और अगर इस फिल्म को हिट होना है तो सिर्फ इस फिल्म को कमाई करनी होगी 60 करोड़ की। लेकिन 31 मार्च तक थिएटर्स बंद हो जाने की वजह से फिल्म की कमाई इतने वक्त में 60 करोड़ पहुंच पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। फिल्म के डायरेक्टर हैं होमी अर्जानिया और फिल्म के अंदर इरफान खान के अलावा दिखाई दे चुके हैं करीना कपूर खान, दीपक डोबरियाल और राधिका मदान। और कहा जा रहा है कि इरफान खान, दीपक डोबरियाल की वजह से ये फिल्म सुपर से भी काफी ज्यादा सुपर हिट हो चुकी है और इन दोनों की जो कॉमेडी है, इन दोनों का जो इमोशन है, डायलॉग्स है, फैंस ने भरपूर पसंद किया है। इस फिल्म की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की अगर बात की जाए तो वो थी 12 से 18% की, जिस वजह से यहां फिल्म की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी भले ही कम रही हो लेकिन उसके बाद जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी वो ज्यादा फैंस को पसंद आई, क्योंकि मॉर्निंग में इस फिल्म को जितना अच्छा रिस्पांस मिला, इवनिंग के कई यहां पर टिकट्स को बेचा गया और उसके बाद यहां फिल्म की कमाई इस नाते बढ़ती हुई देखी गई। कहा जा रहा था कि इस फिल्म की कमाई हो सकती है सिर्फ 4 से 5 करोड़ की, लेकिन ऐसा नहीं, अब इस फिल्म की कमाई 6 करोड़ तक पहुंच सकती है। जी हाँ, बता दें आप सभी को कि इस फिल्म ने अभी तक 4 करोड़ 30 लाख की कमाई पूरी कर ही ली, तो वहीं इसी के साथ इस फिल्म की कमाई ओवरसीज में यहाँ 1 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन इस फिल्म ने अपने पहले दिन पर जो उम्मीद नहीं की थी वो ऊपर आती हुई नजर आ रही है और ये अपने पहले दिन पर 6 करोड़ की कमाई कर लेगी, ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि सिर्फ 2200 स्क्रीनिंग के साथ ऐसे मौके पर फिल्म का 6 करोड़ कमा पाना, वो भी कम बजट वाली फिल्म का, बहुत ही बड़ी बात है। अगर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।